नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग कैसे पता करेंगे कि NSP स्कॉलरशिप पोर्टल में अब तक कितना स्कूल कॉलेज, कौन कौन सा स्कूल कॉलेज रजिस्टर्ड है। यानी कि अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, 11th में एडमिशन लेंगे या फिर पार्ट वन में, बीएड में, बीटेक में या फिर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन कराएंगे, तो आप पहले पता कर लीजिए कि उस स्कूल कॉलेज का नाम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, नहीं तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। ऐसे में कुछ स्टूडेंट कुछ दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर हम इस स्कूल में एडमिशन 11th में लेना चाहते हैं, तो नेशनल स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो आप लोग अप्लाई करने से पहले ही कैसे इंस्टीट्यूट का लिस्ट को चेक करेंगे कि NSP में अब तक कितना स्कूल कॉलेज का नाम रजिस्टर्ड है, KYC है या फिर नहीं है, कैसे पता करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नया नया स्कॉलरशिप रिलेटेड अपडेट हमेशा पाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे इस वेबसाइट का लिंक दे दिए, देख सकते हैं हाउ टू चेक स्कूल कॉलेज नाम रजिस्टर्ड विथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। मतलब कैसे चेक करेंगे कौन कौन सा स्कूल कॉलेज नेशनल स्कॉलरशिप, मतलब इस स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्टर्ड है, तभी आप लोग स्कॉलरशिप को उस कॉलेज स्कूल में अप्लाई कर पाएंगे। तो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन वाला लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर हिंदी में जानकारी बताया हुआ, आके आप लोग चेक जरूर करेंगे, ठीक है। और स्कूल कॉलेज का लिस्ट को जानने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। देख सकते हैं सर्च इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज ITR रजिस्टर्ड विथ NSP स्कॉलरशिप, मतलब यहाँ से आप लोग सर्च कर सकते हैं। अगर अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर सर्च अभी करके दिखाऊंगा, अगर आपका कॉलेज का नाम आप सर्च कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा आपका स्कूल कॉलेज का नाम जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जहाँ पर एडमिशन ले लिए, तो कैसे मतलब इंस्टीट्यूट को रजिस्टर करेंगे उसका स्टेप में आप लोग को बता दूंगा लास्ट में। तो देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का नाम को सर्च करने के लिए इंस्टीट्यूट का स्टेट को पहले लेना होगा। इंस्टीट्यूट जहां पर है तो हम झारखंड को सेलेक्ट करते हैं। आप लोग अपना अपना इंस्टीट्यूट जहां का पता करना उस इंस्टीट्यूट का स्टेट को लेंगे, फिर इंस्टीट्यूट का डिस्ट्रिक्ट को यहां पर लेंगे, तो मेरा धनबाद है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट जो है वो कॉलेज है, ITR है या फिर इंस्टीट्यूट है, तो यहां पर ऑप्शन आएगा स्कूल है, स्कूल अगर मान के चले 9-10 वाला स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल को ले सकते हैं, प्लस टू स्कूल है तो स्कूल को ले सकते हैं। कॉलेज अगर है मान के जैसे RS मोर कॉलेज, PK अगर कॉलेज है तो कॉलेज पर लेंगे, तो यहां पर हम कॉलेज को सर्च कर रहे हैं और 8 इंस्टीट्यूट लिस्ट करेंगे यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर कैप्चा को फिलअप करना होगा, ठीक है, तो यहां पर हम कैप्चा को फिलअप करते हैं। कैप्चा नहीं समझ में आ रहा, इसको यहां पर क्लिक करके कैप्चा को हम फ्रेस कर लिए ताकि अच्छा कैप्चा आए। अब देखते हैं, अच्छा आ गया 9RJVZW, ठीक है, इस कैप्चा को फिलअप करेंगे और गेट इंस्टीट्यूट करेंगे। और यहां पर देख सकते हैं लिस्ट यहां पर हम लोग का भी आएगा, देख सकते हैं आ गया यहां पर, देख सकते हैं लिस्ट यहां पर 100 हम कर लेते ताकि 100 कॉलेज का नाम यहां पर शो हो जाए। यहां पर देख सकते हैं एक एक करके सभी कॉलेज का नाम और उस कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट ID भी यहां पर हमको मिलेगा। यहां पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का ID भी मिलेगा। अभी इंस्टीट्यूट ID क्या होता है उसके भी बारे में बात करूंगा, और उस कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स होता है वो भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान के चलिए कि आप डॉक्टर BR अंबेडकर प्राइवेट ITR में एडमिशन लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उस कॉलेज इंस्टीट्यूट का जो है इंस्टीट्यूट ID यहाँ पर है, इंस्टीट्यूट ID के बारे में बाद में बात करूँगा। अभी यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस कॉलेज में प्राइवेट ITR में, यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स आपका होता है, कौन कौन सा कोर्स के लिए NSP स्कॉलरशिप में देख सकते हैं KYC अप्रूव है। यहाँ पर देखिए ITR इलेक्ट्रीशियन, ITR फिटर और ITR मैकेनिकल डीजल। जो स्टूडेंट इस कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक डीजल करेंगे, ठीक है, ITR कोर्स करेंगे, उस स्टूडेंट को इस कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब NSP स्कॉलरशिप में वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही देख सकते हैं सभी स्कूल कॉलेज का नाम यहां पर आप लोग का आ जाएगा, जैसे झरिया प्लस टू हाई स्कूल, ठीक है, इस कॉलेज का स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम यहां पर है, प्लस टू है, तो हम धनबाद में सभी कमा रहे हैं। अभी यहाँ पर आ गया कि यहाँ पर KYC अप्रूव है, कौन कौन सा क्लास के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है और स्कॉलरशिप मिलेगा, 9 का, 10 का, 11th,
12 आर्ट्स, 12 कॉमर्स, 12 साइंस, इतना स्टूडेंट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। जो पार्ट वन वगैरह करेगा उन लोग का यहाँ पर आगे दूसरा स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्कूल कॉलेज का नाम को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हम स्कूल कॉलेज का नाम को बहुत ज़्यादा यहाँ पर 100-500 लिस्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे सर्च का ऑप्शन है, वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा। इस इंस्टीट्यूट आईडी क्या होता है इसके भी बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इंस्टीट्यूट का नाम अगर आपका नहीं मिल रहा तो कैसे रजिस्टर कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज का नाम हम सर्च करते हैं, जैसे पीकेर है मेमोरियल, मेमोरियल यहाँ पर लिखे हम, तो देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरियल लिख दिए, और यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर जैसे मेमोरियल लिख के सर्च करेंगे तो देख सकते हैं जितना मेमोरियल नाम लिखा हुआ सभी मेमोरियल नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर केसरी देवी मेमोरियल प्राइवेट आईटीआर, पीकर है मेमोरियल कॉलेज है, धनबाद आ गया मेरे कॉलेज का नाम। अभी यहाँ पर कौन कौन सा कोर्स के लिए रजिस्टर्ड है आप लोग देख सकते हैं, 11th और 12th के लिए है, ठीक है। अभी और भी यहाँ पर पीकर है मेमोरियल कॉलेज रहेगा जिसमें ग्रेजुएशन वाला रहेगा, देख सकते हैं पीकर है मेमोरियल कॉलेज धनबाद, ठीक है। और आ गया जहाँ पर इतना सारा कोर्स होता है, एमएससी बीएससी सब, तो डिग्री हायर सेकेंडरी देख सकते, पोस्ट ग्रेजुएट बैचलर ऑफ आर्ट्स, इतना कोर्स के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड किया हुआ इस कॉलेज में, और केवाईसी अप्रूव है कि नहीं है देख सकते, केवाईसी स्टेटस अप्रूव है, मतलब इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेंगे इतना सारा कोर्स के लिए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। आप यहां से स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के द्वारा पीकेआरआई कॉलेज में। तो इस प्रकार आप लोग आके अपना कॉलेज का नाम को चेक कर लेंगे, जहां आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन एनएसपी में है कि नहीं है, केवाईसी अप्रूव है कि नहीं है, इसका देख सकते हैं। यहां पर ये जो है पीकेआरआई मेमोरियल कॉलेज, जहां पर सिर्फ 11th और 12th दिखा रहा है, यहां केवाईसी नॉट अप्रूव है, क्योंकि यही कॉलेज जो है ये वाला भी सेमी कॉलेज है, उसमें केवाईसी नॉट अप्रूव है, लेकिन यहां पर केवाईसी अप्रूव है जहां पर हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें कोई अप्लाई नहीं करता, यही वाला स्कूल अभी शो करता है एनएसपी में। तो जितना स्कूल कॉलेज का नाम यहां पर देख सकते केवाईसी अप्रूव रहेगा वहां पर स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि यहां पर देख सकते टीचर टेलिंग, यहां पर केवाईसी नॉट अप्रूव बता रहा, मतलब यहां से अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे और ग्रेजुएशन करेंगे तो आप एनएसपी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवाईसी नॉट अप्रूव बता रहा। अभी आगे बात करता है, जिस इंस्टीट्यूट का नाम यहां पर आप लोग को अगर नहीं मिलेगा तो कैसे आप लोग चढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इंस्टीट्यूट में कॉन्टेक्ट करना है कि सर आपका कॉलेज का नाम एनएसपी स्कॉलरशिप में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर केवाईसी अपडेट नहीं है, जिसके वजह से हम लोग स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर पाए। तो इंस्टीट्यूट क्या करेंगे कि यहाँ पर एनएसपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट को आ जाएंगे और सर्विस में जाके इंस्टीट्यूट केवाईसी रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करेंगे, ऐसा इंस्टीट्यूट जो पहले कभी नहीं एनएसपी में रजिस्टर किए हैं आज तक, ठीक है, वो लोग फर्स्ट टाइम केवाईसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे। और जो इंस्टीट्यूट पर यहाँ पर हाउ टू फिल का ऑप्शन भी दिया हुआ तो इंस्टीट्यूट वाले अपने कर लेंगे, आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट में बताना। और जिस इंस्टीट्यूट का पहले कभी रजिस्ट्रेशन था, सिर्फ केवाईसी नहीं किया हुआ, वैसा इंस्टीट्यूट यहाँ पर इंस्टीट्यूट लॉगिन में जाएंगे और अपना जो इंस्टीट्यूट आईडी है, जैसे कि आप लोग को पिछला मैं बताएं कि इंस्टीट्यूट आईडी होता क्या बताएंगे, तो वो इंस्टीट्यूट आईडी यहाँ से आप लोग लेके इंस्टीट्यूट आईडी को यहाँ पर फिल करेंगे। और इंस्टीट्यूट आईडी जैसे कि मेरा यहाँ पर स्कूल कॉलेज का देख सकते हैं सेम इंस्टीट्यूट आईडी है, तो इस इंस्टीट्यूट आईडी को पासवर्ड को फिलअप करेंगे, कैप्चा डालकर लॉगिन करके केवाईसी अपडेट करेंगे, मतलब कुछ सिंपल सा डिटेल्स आधार वगैरह मांगेगा एचएम वगैरह का, वहाँ पर फिल करके सबमिट करेगा, तो ऐसा इंस्टीट्यूट जो पहले कभी रजिस्टर्ड था उन लोगों का केवाईसी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग आके अपना स्कूल कॉलेज का नाम को चेक कर सकते हैं।